यहाँ जो बहाली हुआ है इस नगर पंचायत में वो रिश्तेदार को देख देख के बहाली हुआ है, मतलब जो जो उसका अपना अपना है उसका, या जो मैट्रिक पास नहीं है उसका भी हो गया है। भ्रष्टाचार चरमोसीमा पर है और रिलेशनशिप चरमोसीमा पर, ये दो चीज इसमें झलकता है कि ये दोनों चीज का उपयोग किया गया है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुपचुप बहाली रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, गुपचुप बहाली रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, गुपचुप बहाली रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। मिथिला लाइव की टीम अभी पहुंची है सिंहवारा प्रखंड में। सिंहवारा प्रखंड का ये नगर पंचायत सिंहवारा है। नगर पंचायत सिंहवारा में यह नगर पंचायत के कुछ लोग हैं जो आप देखते हैं बड़ी संख्या में नगर पंचायत का घेराव किए। यहाँ इन लोगों का साफ आरोप है कि यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी है, यहाँ के जो मुख्य पार्षद जो चुन के आए हैं, उनका जो रवैया है बिल्कुल तानाशाह जैसा व्यवहार है। यहाँ तक के बात करें तो नौकरी बहाली की जो सीट निकली थी उसमें भी जातिवाद और परिवार देखा गया है। इसी को लेकर सिंहवारा पंचायत की जो जनता है वो बिल्कुल आक्रोश भड़क गई है और वो आक्रोश निकालने के लिए अभी सिंहवारा नगर पंचायत मुख्यालय हमारे पीछे जो देख रहे हैं उसका घेराव करने के पूछे। बहुत सारे लोगों के हाथ में कुछ कुछ मांगे हैं जो आप देखेंगे हमारे कैमरे पर, बहुत सारे लोग जो लिखे हुए हैं जो परिवारवाद बंद करें, बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं जो जातिवाद बंद करें। लोगों का ये साफ आरोप है कि यहाँ जो कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त गए हैं या जो यहाँ मुख्य पार्षद जो चुन के आए हैं जनता के बीच से, उन्होंने भी ये जो काम कर रहे हैं वो कहीं से उचित नहीं है और ये लोग साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं। जो मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी मिलकर नगर पंचायत सिंहवारा को लूट रहे हैं, क्या कुछ सच्चाई है हमारे साथ बात करने यहाँ नगर पंचायत भरवारा के जो वार्ड पार्षद हैं और कुछ ग्रामीण हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या सच्चाई है और क्या कुछ इनकी मांगे। सर, सर सबसे पहले मिथिला लाइव में हम आपका स्वागत करते हैं। क्या कुछ परेशानी आ गई जो आप लोग नगर पंचायत भरवारा का घेराव कर दिए? इससे पहले हम 10 बार कार्यपालक पदाधिकारी, उप मुख पार्षद और मुख पार्षद से पूछते थे जो बहाली जो आई हुई है और इस बहाली की प्रक्रिया क्या है, किस माध्यम से बहाली होगी, कैसे फ्रेश बहाली होगी, तो कुछ गुपचुप तरीके से अभी नहीं होगी, अभी टाइम है, फरना है, चिन्ह है करके बरगला करके, एनजीओ करेगा तो कुछ करेगा, बरगला दिया गया था। किनके द्वारा ये बरगलाने का काम? कार्यपालक, मुख पार्षद और उप मुख पार्षद द्वारा, तीनों की मिली भगत से। अचानक जब हम यहाँ इधर से गुजर रहे थे, कुछ आदमी मेरा कहा कि आज नगर पंचायत पे नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। मैं रुक के कार्यपालक से पूछा, जिसमें मेरे साथ 2-4-5 ग्रामीण भी था, तो जब हम लोग कार्यपालक के पास गए और कहे सर जो आज नियुक्ति पत्र आप बांट रहे हैं, किस माध्यम से बांट रहे हैं, किस तरीके से, तो एनजीओ से बांट रहे हैं और तो आपको जो पूछना होगा बोर्ड में पूछिएगा, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, साफ तौर पर कहा। और मेरे साथ जो जनता था उसे कहा ये जनता का ऑफिस नहीं है, ए प्रतिनिधि और ऑफिसर का ऑफिस है, यहाँ से बाहर जाओ, उसको बाहर भगाने का। ऐसा किसने कहा ये बात? कार्यपालक ने कहा। वहाँ कार्यपालक पदाधिकारी का अक्षय कुमार, और वहाँ पे लगभग सभी वार्ड पार्षद और वार्ड प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया जो ऐसा बात आप नगर पंचायत के और मुख्य उप मुख्य पार्षद के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है जी, क्या लगता है इसमें पैसे का खेल है? एकदम हुआ है, का खेल है, जातिवाद और पैसा दोनों का खेल है, दोनों का खेल है। लोग के हाथ में जो आप देख रहे हैं जो बोर्ड लिए हुए हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि घुसखोरी भी है, परिवारवाद, एकदम सही है, जातिवाद भी, एकदम। सिंहवारा नगर पंचायत का जनता जो लिए हुए है बोर्ड और जो बोल रहे हैं वो सत्य बात है। अच्छा, वार्ड पार्षद जो चुन के आते हैं उनके गार्जियन के तौर पे यहाँ एक मुख्य पार्षद भी चुन के आते हैं जी, उनका रवैया किस तरह का रहा जब आपने इस शिकायत को उनके पास लेकर गए, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया, गुपचुप तरीके से कहा जो बहाली कर दिया, उसके बाद जब बोले तो वो कहा कि बोर्ड में सारा समस्या का निदान होगा और फर्जी बारे तरीके से बहाली कर दिया गया। क्या लगता है जो लोग की बहाली हुई है वो कहाँ के रहने वाले और योग्यता उनकी ठीक ठाक है? योग्यता हमारे विचार से तो नहीं ठीक है, अगर 0/0 है, अगर योग्यता उसमें है तो फ्रेश बहाली किया जाए और वो कंपटीशन में बैठे और जो योग्य होगा उसको। आप लोगों का स्पष्ट मांग है कि अगर बहाली करना ही है तो कहीं पर बैठाया जाए, कंपटीशन किया जाए, जो उनके योग है उनको नौकरी। सबसे पहले इसका रोस्टर निकले, जो बहाली प्रक्रिया का जो रोस्टर होता है, आरक्षण से लेके सारा चीज उसका नियमावली होता है, वो निकालते हुए साथ में आवेदन का समय निकाले, जितना से इतना तारीख तक फ्रेश आवेदन, या नहीं गुपचुप तरीका से नहीं, पूरा क्लियर, जहां आवेदन जमा होगा उसमें से जो अभ्यर्थी भरेंगे उसको कब करना हो वो अपना आवेदन करेंगे, उसको परीक्षा का टाइम लिया जाएगा, वहां टाइपिंग का भी स्पीड देखा जाएगा, जो योग्य होगा उसको नौकरी दिया जाएगा। जो यहाँ जो युवा है और जो युवा होता है, युवा वर्ग में खास करके बेरोजगारी अपने यहाँ चरम सीमा पर है,
और एक शुभ अवसर मिलता है जो अपने नगर पंचायत में जो कुछ पद है उन पे एक बहाली का। और आप भी पढ़े लिखे हैं और इसी समाज से आते हैं, क्या लगता है इन लोगों को, समाज के लोगों को नौकरी का हक नहीं है, जो बाहरी लोग को धन बल जातिवाद का पर्ता देके और नौकरी दिया जाता है? क्या मेरा नाम राजन है और हम इसी गांव के निवासी है और ये मेरा एमए का डिग्री है, समझे? एमए का डिग्री है। यहाँ जो बहाली हुआ है इस नगर पंचायत में वो रिश्तेदार को देख देख के बहाली हुआ है, मतलब जो जो उसका अपना अपना है उसका, या जो मैट्रिक पास नहीं है उसका भी हो गया है, वो सब सुपरवाइजर होके बैठे हुए हैं। जो इंटर में है वो अकाउंटेंट हो गए हैं, जो आर्ट से पढ़े वो अकाउंटेंट हो गए हैं, जिसको कंप्यूटर का डीसीए का डिग्री नहीं है वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए हैं। हम लोग यहाँ डिग्री लेके बैठे हुए हैं। क्या लगता है इसमें जो फर्जी बारह हुआ है, जातिवाद के तौर पे आपको छाटा गया है या धन बल का खेल है? धन बल का खेल है और जातिवाद का खेल है, यहाँ पर रिश्तेदार का खेल है। बस अपना बेटा पोता भाई भतीजा रिश्तेदार उसका नौकरी करेगा, अब बाकी सिंहवारा का जनता जो सिंहवारा का वोटर है, जो सिंहवारा का जो अधिकार जिसको हक होना चाहिए वो बेरोजगार ही रहेंगे। और उसका जो नेता है, जो मुख्य पार्षद है, उप मुख्य पार्षद है, उसका भाई भतीजा रिश्तेदार भाभी सब उसका नौकरी करेगा। अब बाकी सिंहवारा का जितना नवयुवक है जो पढ़ के डिग्री लेके है वो जाके बाहर में डिग्री अति करे नौकरी करे। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय देंगे। मेरा नाम हुआ दीपू कुमार उर्फ छोटू सिन्हा, उपमुख्य पार्षद नगर पंचायत सिंहवारा। आप पर ये आरोप है कि आप जो नगर पंचायत सिंहवारा में बहाली हुई है उसमें आप अपने भौजाई को नौकरी दिए हैं, कितनी सत्यता है इसमें? ये देखिए, उन लोगों को थोड़ा सा जानकारी का कमी रह गया था, जानकारी वो प्राप्त करना चाहा लेकिन उनको प्राप्त नहीं हो पाया। जैसा कि ये जानकारी के अभाव में ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत आरोप लगाया है जानकारी के अभाव में। वो अपने स्तर से जहां से जांच करवाना हो वो जाँच करवा ले, जैसे जाँच करवाना हो वो जाँच करवा ले, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। मुख्य पार्षद जी, आप पर यह आरोप है कि आपने जो नगर पंचायत सिंहवारा में बहाली किया गया है वो आपके द्वारा और कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा मिलीभगत से जातिवाद और परिवारवाद को इसमें शामिल किया गया है, जबकि नगर पंचायत भरवारा में भी उससे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, लेकिन उनको बहाली न देकर आप अपने रिश्तेदार को बहाली दिए हैं, ऐसा आरोप है आपके पार्षद का और आपके नगर पंचायत के ग्रामीण का। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो सिंहवारा नगर पंचायत कार्यालय में मिथिला लाइव आपके चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो आरोप है बिल्कुल निराधार है और ये विपक्षियों का साजिश है। इनके बारे में इनको कुछ जानकारी विशेष प्राप्त करके ही बात करना चाहिए था। ये नगर पंचायत कार्यालय सिंहवारा में जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो बहाली की गई है उसमें नगर पंचायत के न कार्यपालक, जो नवगठित नगर पंचायत सिंहवारा बना उसमें विभागीय स्तर से एक पत्र प्राप्त है, लेटर प्राप्त है, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है विभागीय सृजित पदों पर नियुक्ति में विलम्ब होने के कारण तत्काल आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मानव बल उपलब्ध कराकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए विभागीय एक पत्र जारी है, जिसके माध्यम से नगर पंचायत कार्यालय से निविदा निकाला गया आउटसोर्सिंग एजेंसी चयन हेतु। चयन में जीएम पोर्टल के माध्यम से उसमें 200 कुछ निविदादाताओं ने भाग लिया, उस निविदादाता में L1, L2, L3 प्राप्त हुआ। L1 वाले सन हेल्थ केयर ट्रस्ट को L1 में आया गया, उसको निविदा में चयन किया गया और उसी के निविदा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ही मानव बल उपलब्ध करा करके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था, जिसमें एक वार्ड पार्षद को व्यक्तिगत लाभ या किसी तरह का लाभ नहीं मिलने से
आक्रोशित हुए और विपक्षियों से मिलकर साजिश रचकर पूरे नगर पंचायत में घूम घूम कर दुष्ट प्रचार करने का प्रयास किया गया। कौन वार्ड पार्षद है और कितने वार्ड कितने वार्ड 8 के देवनाथ चौपाल हैं जो वार्ड 8 के पार्षद हैं। कल जो विरोध मार्च निकाला गया था आपके और कार्यपालक के खिलाफ, उनमें कितने वार्ड पार्षद संलिप्त थे और आपके जो नगर पंचायत में कितने वार्ड पार्षद हैं? मेरे नगर पंचायत में 10 वार्ड पार्षद हैं, जिसमें कल के विरोध मार्च में सिर्फ एक वार्ड पार्षद 8 के देवू कहार शामिल है और विरोधियों से मिलकर साजिश रचा जा रहा है। और जहाँ तक रह गई पार्षद महोदय के द्वारा और कुछ लोग जो थे उसमें भाग लिए थे कल के जुलूस में, उसमें जो बताया जा रहा था बार बार कि कोई वंशवाद है, भगना है, भाभी है, ये सब बिल्कुल निराधार है। ये जांच का विषय है, जांच करने से आपको स्पष्ट पता चलेगा कि कोई किसी का व्यक्तिगत नहीं है। वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से काम करना था। आउटसोर्सिंग एजेंसी किसको चयन किया, कैसे चयन किया, वो आउटसोर्सिंग एजेंसी बता सकती है। हम लोगों को कोई प्रक्रिया में नहीं है कि हम लोग बहाली करेंगे।